नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 19। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली सरकार RTO पर ट्विन टावर बनाने का निर्णय किया है। क्या है योजना और कितनी आएगी लागत, साथ ही किस विभाग के होंगे कार्यालय, तो आइए देखते हैं क्या है इस खबर में। दिल्ली सरकार RTO के निकट दो मंजिला बहुमंजिला पर्यावरण के अनुकूल इमारतें बनवाने की योजना बना रही है। इसमें विभिन्न विभागों के बड़े अफसरों के साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय भी होंगे। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है। इन बहुमंजिला इमारतों पर करीब 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। खबरों की माने तो आपको बता दें कि परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह परियोजना दिल्ली सरकार के लिए नए सचिवालय के रूप में। इस परियोजना में RTO के पास 3 भूखंडों पर निर्माण होगा। पहले में विकास भवन बनेगा और दूसरे में MSO भवन बनेगा और GST के लिए बनवाया गया है। परियोजना के अंतर्गत पुराने भवन गिराकर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मनीष सिसोदिया जमीनी जांच भी कर चुके हैं। बता दें कि 1982 में बनी इस इमारत में मौजूदा समय में CM कार्यालय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज 19।